हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वॉचिंग हाई फाई क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक एजुकेटर बनना चाह रहे हो तो वेदांतु, यूट्यूब एंड अन अकेडमी में से कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। तो देखो, यूट्यूब, वेदांतु या फिर अन अकेडमी, प्लेटफॉर्म तीनों ही अच्छे हैं, बट हमें किस हमारे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा वो बस मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखो, अन अकेडमी में जाने के लिए मैं पहले ही इस चीज़ पर वीडियो बना चुकी हूँ कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो अच्छा होना चाहिए। अभी बैकग्राउंड का मतलब आप समझना, ठीक है? तो पहले मैं अभी इसी की प्रोसेस बता देती हूँ कि किस तरह से ये आपको सेलेक्ट करते हैं। तो करना क्या होता है, आपको प्ले स्टोर पर जाना होता है और अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना पड़ता है। वहाँ पर आपको क्या अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उस पर अपनी 3 मिनट की डेमो क्लास अपलोड करते हो। देन वो कोई आपको रेस्पॉन्स देते हैं, आपकी उनको डेमो क्लास अच्छी लगती है, तो फिर आपको 5 ऑफलाइन वीडियोस बनानी पड़ती हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस चालू होती है ना। अगर वो वीडियो उनको अच्छी लगती है तो वो क्या करते हैं, आपका सिलेक्शन करते हैं। बट सिलेक्शन करने के लिए एक बात इम्पोर्टेंट है, क्या आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। मतलब कि या तो आप किसी ऐसी संस्था से रिलेशन रखने वाले होने चाहिए, यहाँ पर आप बहुत दिन से पढ़ाते आ रहे हो, ठीक है? या फिर आपका YouTube पर चैनल होना चाहिए जिस पर बहुत सारे सब्सक्राइबर हों। मीन्स आपने देखा होगा बहुत सारे अन अकेडमी वालों को, वो क्या करते हैं, अपने अन अकेडमी जो ऐप है उसका प्रमोशन करते हैं। तो उनको ये साथ साथ चाहिए होता है, क्यों, वो तभी उस बंदे को सेलेक्ट करते हैं जब क्या होता है, आपका बैकग्राउंड होता है। देन सेलेक्ट होने के बाद क्या हो जाता है, वो आपका फिर से क्या करते हैं, 10 to 15 days के बाद आपको मेल भेजते हैं कि आप सेलेक्ट हो चुके हो। फिर उसके बाद आपकी डाटा स्पीड देखी जाती है, इक्विपमेंट देखे जाते हैं, तब कहीं जाकर आपको सिलेक्शन दिया जाता है। तो समझ आया, वो आपका सिलेक्शन केवल आपके बैकग्राउंड की बेस पर करेंगे और प्लस में इंटेलिजेंस के बेस पर। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब, या तो आपको कोई यूट्यूब चैनल हो या फिर आप ऐसे किसी संस्था से रिलेशन रखते हो, किसी संस्था से इतने दिन से पढ़ाते चले आ रहे हो, यहाँ पर आपसे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हो, जिससे आप उनका क्या करो, जो अन अकेडमी का है, प्रमोशन भी साथ साथ कर सको। रही बात वेदांतु की, तो वेदांतु में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो तो भी वेदांतु पर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। देखो, अन अकेडमी और वेदांतु और यूट्यूब, ये तीनों ही प्लेटफॉर्म अच्छे हैं अपनी जगह, बट आप फ्रेशर हो कि आपका बैकग्राउंड है, ये बात उस बात पर डिपेंड करती है। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है देन आपके लिए अन अकेडमी क्या है, बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आप एक फ्रेशर हो, देन आप कहाँ जाओगे, वेदांतु पर। अभी वेदांतु किस ऐप पर जाओगे, वेदांतु साइट पर जाओगे, वहाँ पर करियर ऑप्शन होगा, ठीक है? करियर ऑप्शन के बाद आप उसमें क्या करोगे, अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो उनको क्या करोगे, एक मेल करोगे, ठीक है? अगर वो आपके मेल को देख के इंटरेस्टेड होते हैं तो वो आपको क्या करेंगे, यस या नो में आंसर देंगे, ठीक है? यस में आंसर देने के बाद आपको वहाँ पर भी क्या है, अपनी उसी तरह की प्रोसेस है, वहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ता है, अपना वीडियो अपलोड करना पड़ता है, ठीक है? अगर वो आपके वीडियो से मतलब इम्प्रेस होते हैं तो वो आपको फिर से क्या देते हैं, एक इंटरव्यू की डेट देते हैं, जिस पर वो आपसे जूम के जरिए कॉन्टेक्ट करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, है ना? इंटरव्यू लेने के बाद अगर आप उस इंटरव्यू को फायर करते हो तो क्या करते हैं, वो आपकी डाटा स्पीड है ना, वही चीज़ कॉमन क्वेश्चंस इंटरव्यू में लेते हैं कि मतलब आपको इतने सारे बच्चे आपके साथ एक साथ पढ़ रहे हैं तो आप उनको कैसे हैंडल करोगे, किसी ने इस तरह का क्वेश्चंस पूछ लिया तो आप इसका रिप्लाई कैसे करोगे, इस तरह के इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक? उसके बाद आपसे उसकी आपकी डाटा स्पीड का पूछा जाता है। अगर अपनी डेटा स्पीड भी अच्छी नहीं है, नेट की स्पीड बेकार है, देन वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे, या चाहे तो अन अकेडमी हो चाहे आपके लिए वेदांत हो। तो इसके लिए डेटा स्पीड भी बहुत ज़्यादा फैक्ट रखता है, ठीक है? तो अदर इक्विपमेंट भी साथ साथ। अब देखो, अन अकेडमी में बैकग्राउंड का बहुत बड़ा रोल होता है। देखो, बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पर व्यूज़ के पैसे मिलते हैं, और जब व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो आप अर्निंग कहाँ से करोगे। तो
इसीलिए मैं बोली कि अन अकेडमी पर तभी जाइए जब आपका यूट्यूब चैनल हो या फिर किसी आप संस्था से किसी संस्था में आप पढ़ाते हो, ठीक है। और वेदांतु पर आप फ्रेशर होते हुए भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और वहाँ पर आप पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, किसी भी तरह की जॉब कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पर पेमेंट दिया जाता है उसका। और अन अकेडमी पर एक माइनस पॉइंट ये भी है कि उसमें आपको एक्टिव रहना पड़ता है, मतलब कि एक मंथ में 20 वीडियोस, 20 चैप्टर आपको अपलोड करना है। अब चाहे तो आप एक दिन में 20 कर लीजिए और चाहे आप 30 दिन में कर दीजिए। अगर आप 20 वीडियो पर मंथ अपलोड नहीं कर पाते हो तो ऐसे में आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। YouTube की बात रही तो YouTube बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि YouTube पर कोई भी बंदा आके अपना चैनल बना सकता है। उस पर कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी सिलेक्शन नहीं है, उसमें कोई भी फिल फॉर्म नहीं करना, सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। बट हाँ, जब तक मोनेटाइज नहीं हो रहा तब तक का स्ट्रगल है, तब तक आपको फ्री वहाँ पर अपनी जो एजुकेशन, जो भी नॉलेज है, स्किल है, वो प्रोवाइड करानी पड़ेगी स्टूडेंट्स को, जिससे आपका क्या है, देखो चाहे आप वेदांतु पर पढ़ाओ और चाहे आप अन अकेडमी पर पढ़ाओ, यूट्यूब पर तो अपना चैनल आप बना ही सकते हो, है ना, वहाँ से तो तुम अर्निंग कर ही सकते हो। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल है, थोड़ा हर चीज़ में टाइम लगता है। मोनिटाइजेशन में तुम्हें 4000 घंटे करने हैं और प्लस में क्या है, 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, दिस इज़ नॉट ईजी, है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों के लिए, बट आपको वहाँ पर रुके रहना है, ठीक है। तो आप YouTube पर चैनल के साथ साथ इन दोनों प्लेटफॉर्म में, अगर आप फ्रेशर हो तो वेदांतु, अगर आपका कोई बैकग्राउंड है तो क्या अन अकेडमी, इन पर अप्लाई करो। और दूसरी बात यह है, जैसे आपका मोनिटाइज हो जाता है चैनल, तो हमारा YouTube भी हमें फ्री में पढ़ाने का वो नहीं देता, वो भी हमें पेमेंट करता है। कैसे, 60% YouTube का, 40% YouTube का होता है, तो 60% हमारा होता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, प्लेटफॉर्म सारे ही अच्छे हैं, बट अपन को चूज करना है कि हमारे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है। तो इसी तरीके से आप किस साइट पर जाना चाह रहे हो, उस किस प्लेटफॉर्म पर जाना चाह रहे हो, कैसा आपका बैकग्राउंड है, इस सब को सोच समझ कर ही अप्लाई करना। सो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। सो बाय बाय।